हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे दोस्तों ये 1200 वाट का एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों आप सभी की ये भी डिमांड थी कि डायनाटोन का माइक्रोफोन आपने दिखा दिया, काफी अच्छा है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे एम्पलीफायर कैसे हैं वो हमें देखना है। लीजिए, आपके लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, डायनाटोन का एम्पलीफायर है, कैसे रहने वाला है टेस्टिंग देखेंगे, अनबॉक्सिंग जानेंगे, इंटरनल पार्ट की क्वालिटी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। काफी ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एम्पलीफायर की बॉक्स पैकिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल सी, और यहाँ पे डिटेलिंग भी है इसके अंदर। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है डायनाटोन की ब्रांडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ट इन बेस मिनरल ट्रिबल हाईलाइट ये करा गया है, प्रोफेशनल पावर बूस्टर एम्पलीफायर, काफी सारे जो है वो हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। साइड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, आपको ये सबसे अच्छी बात, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, पीए एम्पलीफायर्स या फिर आप कह लीजिए बूस्टर एम्पलीफायर ज्यादातर जो है वो इंडिया ही मैन्युफैक्चरिंग करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बाकी यहाँ पे आपके पास सेम वही सारी डिटेल्स हो जाती है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है हमारे जो कि रहता है मेन। यहाँ पे चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्स करते ही यहाँ पे आपको ये थर्मोकॉल की जो है वो पैकिंग देखने को मिलती है, नीचे भी ऐसे ही थर्मोकॉल की जो है वो पैकिंग दी गई है। हमारा मेन एम्पलीफायर हो जाता है, एक वारंटी कार्ड हो जाता है एम्पलीफायर को, मैं यहाँ पे अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स क्या क्या चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। डायनाटोन की आपको दोस्तों यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, डीजे 1200M जो है उसका मॉडल नंबर रखा गया है, पावर बूस्टर एम्पलीफायर है। यहाँ पे आपको ये तीन नोब्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको लो यानी बेस, मिड आपका मिल जाता है और हाई आपको मिल जाता है, तो तीन कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अलग से यहाँ पे आपको एक मास्टर नोब भी जो है वो दिया गया है। ये वाला जो स्विच है यहाँ पे, ये दोस्तों काम में आता है बॉक्स स्पीकर और यूनिट ड्राइवर, आप इस पे यूनिट ड्राइवर यानी आपके जो हॉर्न्स होते हैं वो भी चला सकते हैं, और बॉक्स स्पीकर यानी आपके नॉर्मल स्पीकर्स भी चला सकते हैं। इंडिकेटर लेवल हो जाता है यहाँ पे, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हो जाते हैं। ये जो है वो दोस्तों आपको वेंटिलेशन देखने को मिलते हैं, यहाँ से एयर जो है वो वेंटिलेशन रहता है। और इधर आएंगे तो दोस्तों तो यहाँ पे आपके पास पावर का, टेम्परेचर का और ओवरलोड का तीनों का इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे एम्प ऑन का और फॉल्ट का जो है वो आपको इंडिकेटर मिल जाता है, पावर ऑन स्विच ऑफ बटन मिल जाता है। यहाँ पे ये हैंडल्स हो जाते हैं दोस्तों जो कि काफी मजबूत है, आप इनको फ्लाइट केस में भी डाल सकते हैं, कुछ इस टाइप से ही इसको डिजाइन करा गया है। तो दोस्तों ये हो जाता है एम्पलीफायर का बैक साइड, और क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको हैंडल्स जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, बेसिकली दोस्तों ये हैंडल्स भी है और इस एम्पलीफायर के लिए सेफ्टी भी दे रखा है, तो यहाँ से ये हैंडल्स भी हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये सेफ्टी भी देते हैं पीछे के जितने भी कंपोनेंट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये फ्यूज हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 एम्पीयर का फ्यूज है, ये पावर कॉर्ड का आउटपुट हो जाता है। यहाँ पे ये दोस्तों जो कि डिजाइन करा गया है ये 10 रैक एम्पलीफायर्स के लिए, 10 रैक एम्पलीफायर, आप 10 तरीके के एम्पलीफायर लगा सकते हैं एक रैक के अंदर, इस हिसाब का ये डिजाइन करा गया है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है प्रेस टू रीसेट का जो है वो, यहाँ पे ये जो कि स्विच है ये मिलता है, ये बाहर आ जाएगा जब भी आप रीसेट करेंगे एम्पलीफायर को। तो यहाँ पे ये वेंटिलेशन हो जाते हैं दोस्तों, काफी अच्छे बड़े वेंटिलेशन है, ये आप देख सकते हैं, फैन भी अंदर दिया गया है। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा इसके इनपुट और आउटपुट्स, तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि मार्केट में मेरे को ऐसा इनपुट आउटपुट नहीं देखने को मिला है, स्पीकॉन्स का है, लेकिन स्पीकॉन्स में भी दोस्तों यहाँ पे सेपरेट करा गया है कि 2 ओम का अलग यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, 4 ओम्स का अलग आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये दोनों को आप एक साथ ना यूज करें, अगर आप एक टाइम पे एक आउटपुट ले रहे हैं, जैसे कि 2 ओम्स का मैं चला रहा हूँ लोड, तो 2 ओम्स से ही चलाना है अपने, 4 ओम्स का अगर मैं लोड चला तो सिर्फ और सिर्फ 4 ओम्स पे ही आपको कनेक्ट करना है। बाकी ये इसके इनपुट सिग्नल्स हो जाते हैं जहाँ से आप आउटपुट भी ले सकते हैं, बैलेंस इनपुट करें बैलेंस आउटपुट लें, दोनों आपके लिए इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगा। उसके जस्ट नीचे हो जाता है ये लाइन मैच और इन यूनिट्स के लिए हो जाता है, ये यहाँ पे आ सकता है। इसके अंदर आपको कॉमन 70 और 100 वोल्ट दोनों ऑप्शन मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए ये हैंडल्स प्लस यहाँ पे ये सेफ्टी का जो कि ब्रैकेट बाहर आ रहा है ये आपको दिया गया है। ओवरऑल ये हो जाता है दोस्तों इसका बैक लुक, आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। चलिए अभी हम इसकी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, और यहाँ पे आपको 3 चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही, ये यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर साइड में लगे हुए हैं और बीच में लगा हुआ है इसका एम्पलीफायर का मॉड्यूल। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये एम्पलीफायर मोनो एम्पलीफायर है, और यहाँ पे ये 2 ट्रांसफार्मर किस लिए काम में आता है, तो ये होता है दोस्तों इनपुट का,
यानी पावर का, और ये होता है दोस्तों आउटपुट का, यानी जो कि आप स्पीकर या फिर हॉर्न कनेक्ट करते हैं उसकी पावर के लिए। तो ये दो ट्रांसफार्मर का इसके अंदर यूज करा गया है, ट्रॉयडल राउंड वाला जो होता है ना ट्रांसफार्मर, कंपनी ने बोला कि कॉपर ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे दोस्तों इस मॉड्यूल में आपको मैं यहाँ पे इसके जो कि मॉस्फेट्स हैं या फिर ट्रांजिस्टर्स हैं वो मैं आपको गिना देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ और आठ 16 ट्रांजिस्टर्स वाला ये एम्पलीफायर आप कह सकते हैं, क्योंकि 16 उस साइड भी यहाँ पे भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो साइड में आपको 16 देखने को मिलते हैं, ये देख सकते हैं साइड में भी आपको यहाँ पे 16 देखने को मिलते हैं। तो इसमें सब में ही तोशीबा जो है वो यूज़ करा गया है, बाकी ये पावर सप्लाई के इसके कैपेसिटर हो जाते हैं, उल्टे करल के लगाए गए हैं सेफ्टी रीजंस के लिए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये साइड में कैपेसिटर्स भी इसके यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सेफ्टी रीजंस के लिए इसलिए उल्टे लगाए जाते हैं। बाकी ये फ्रंट का इनका बोर्ड हो जाता है, और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ये आउटपुट का ये बता रहा था, तो यहाँ पे सारे आउटपुट और इनपुट जो है वो सिग्नल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो है वो इनपुट सिग्नल्स के ऊपर सॉकेट्स हैं, नीचे जो है वो आउटपुट के और सिग्नल्स के हो गए। फैंस दिया गया है, फैंस की कंपनी काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का फैन इसके अंदर यूज़ करा गया है। वर्क फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी। अगर मैं प्रिंटिंग जितने भी देखता हूँ मैं, अगर आप मेड इंडिया एम्पलीफायर देखेंगे कहीं ना कहीं आपको प्रिंटिंग पे उसके या फिर चैसी में कहीं ना कहीं आपको कमी दिखी रहेगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फिनिश मुझे लगा। अगेन यहाँ पे इंटेल पार्ट की क्वालिटी से भी मुझे अच्छा लगा, पीसीबी की भी क्वालिटी इनकी अच्छी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी चलते हैं, बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको अनबॉक्सिंग और फ्रंट और बैक की डिटेल्स जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम यहाँ पे जान लेते हैं इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में कुछ जानकारियाँ भी। दोस्तों जो कि इसकी पावर रेटिंग है वो यहाँ पे 1200 वाट आपको आउटपुट देखने को मिलती है, ये कि स्टेबल पावर रहेगा। दूसरी बात दोस्तों जो कि ये है एम्पलीफायर 2 ओम स्टेबल है, इंडियन एम्पलीफायर जितने भी होते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जितने भी मेरे को लगते हैं वो सारे के सारे 2 ओम पे स्टेबल आपको दिए जाते हैं। तो ये भी एम्पलीफायर काफ़ी 2 ओम पे स्टेबल है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी वर्क ऑफ क्वालिटी या फिर अब मटेरियल की जो क्वालिटी होती है, कहते हैं कि एम्पलीफायर काफ़ी सारे जो है वो एक जैसे सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ पर्सनल लेवल पे तो यहाँ पे इनके अंदर जो भी पार्ट्स की क्वालिटी लगाई गई है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर यूज़ करे गए। अगेन अगर क्वालिटी पार्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी बढ़ती है। और दोस्तों यहाँ पे जो कि रहती है बात आफ्टर मार्केट सर्विस की या फिर आप कह लीजिए पार्ट्स मिलने की, तो सारा का सारा जितने भी पार्ट्स इसके अंदर यूज़ करा गया वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, वायर से लेके आपको एक एक ट्रांजिस्टर्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेड इन इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों यहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी टेस्टिंग के लिए और कैसे हम इसको जो है वो टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको टेस्टिंग पर ले चलता हूँ, क्या हम लोड इस पे डालने वाले हैं और कैसे चेक करने वाले हैं वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों यहां पे टेस्टिंग के लिए हमारा एम्पलीफायर लग चुका है, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं इसमें हम कैसे कैसे कनेक्शंस कर रहे हैं वो भी मैं आपको यहां पे पीछे दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि है आउटपुट और इनपुट। तो यहाँ पे ये आउटपुट दोस्तों एक स्पीकॉन है, अब एक स्पीकॉन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है, ये मैंने 4 ओम्स पे दिया हुआ है। एक टॉप हमने डाला हुआ है 1300 वाट का, यहाँ पे 600 प्लस 600 और हमारा जो कि है 100 वाट HF 1300 वाट का टॉप इस पे लोड हमने डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि दोनों में से आपने स्पीकॉन्स को किसी भी एक ही टाइम पे यूज करना है। मतलब मैं एक बार हटा देता हूँ आपको इजीली दिखेगा, मतलब इस पे मेंशन ये भी है कि डू नॉट यूज बोथ। आपको आप 4 ओम्स पे चला रहे हो तो आप 4 ओम्स का ही आउटपुट दीजिए, अगर आप 2 ओम्स पे चला रहे हो तो सिर्फ आप सिर्फ 2 ओम्स पे ही चलाइए, ये दोनों का आपको यूज नहीं करना है, ये थोड़ा सा सेफ्टी आप लेके चलिएगा। बाकी अगर मैं इनपुट और आउटपुट्स की बात करूं तो यहां से अगर आप आउटपुट भी देना चाहते हैं या इनपुट देना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं जो कि आपका 1 वोल्ट है ये तो आपका मिक्सर में काम हो जाएगा, अगर आप ऊपर कर देंगे ये आपका जाता है 200 मिली वोल्ट पे। अब ये 200 मिली वोल्ट ये इसलिए होता है कि अगर आप डायरेक्ट जैक पिन लगा के अगर मोबाइल से बजाना चाहते हैं तो आपको ये स्विच जो है वो ऊपर करना रहेगा, और अगर आप मिक्सर से चलाते हैं तो आपको ये नीचे करना रहेगा। इसमें जो कि है आपका अगर हम नीचे करते हैं जो कि आप बाहर से इनपुट देते हैं इसके अंदर, दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आगे के जो भी ये मिड हाई और ये लो जो कंट्रोल्स होते हैं ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप मिक्सर का यूज़ में ले रहे हैं तो ये एक तरीके से एम्पलीफिकेशन करेगा आपका। और अगर आप इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर करने में दोस्तों आपका सारा का सारा जो कि मिड
हाई और लो है, ये सब कुछ आपका काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप मिक्सर का ही तो यूज कर ही नहीं रहे, आप डायरेक्ट फोन से बजा रहे हैं, तो ये मल्टीपर्पज होने वाला है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। सामने की साइड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे ये बॉक्स और आपका ड्राइवर यूनिट सब मिल जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। पावर अप है, यहाँ से ये मिक्सर से मैं आउटपुट ले रखा हूँ और ये इसमें मैंने डाल दिया। नीचे कर देना है स्विच को। चलिए यहाँ से सॉन्ग को हम प्ले कर लेते हैं और यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी। और दोस्तों कैसा क्या ऐसा ना परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि काफी अच्छे इस लोड को चला पा रहा था। पर्सनल मैंने अभी तो एक ही कैबिनेट में दो स्पीकर्स को यूज में करा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप दो मॉनिटर्स, अगर उसके अंदर चार चार इंची वॉइस कॉल वाले स्पीकर्स थे तो आप इस टाइप के जो है वो स्पीकर्स को यूज कर सकते हैं। 3 इंची वाला हो, 3.5 इंची वाले वर्चुअल के स्पीकर्स हो, 4 इंची वाले हो, ईजिली चलाता है। ये आप कहेंगे कि ओवरलोड पे आवाज़ फटता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ में ओवरलोड पे भी बिल्कुल क्लियर स्मूथ चलता है। बाकी यहाँ पे अगर आपको माइक के इनपुट्स करने हैं, आप छोटा मिक्सर जो है वो यूज़ में ले सकते हैं। डायनारोन के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप सिंपल एक मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको गाना प्ले करना है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे वर्कर्स एम्पलीफायर की जान निकाल सकते हैं या फिर स्पीकर्स ख़राब कर सकते हैं, इस एम्पलीफायर को लगा दीजिए। ना ही आपका एम्पलीफायर जाने वाला है, ना ही आपके स्पीकर्स जाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो फंक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी अप एंड डाउन जाता है, कम ज़्यादा होती रहती है लाइट, उसमें भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी फॉल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी लॉन्ग लाइफ रहने वाला है प्रोडक्ट। बाकी यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कहाँ से अवेलेबल हुआ, प्राइसिंग डिटेल्स। तो दोस्तों ये आपको शो हो रहा होगा डायनाटोन का कस्टमर केयर नंबर, आप जाके यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी डिटेल्स दीजिए सर को यहाँ पे कि मैं इसे स्टेट से हूँ, मुझे ये एम्पलीफायर मेरे घर तक चाहिए, या फिर अपने नियरेस्ट डीलर का आप एड्रेस ले सकते हैं, सेम इसी नंबर से आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।